नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए यानी क्लास 10 का जो चैप्टर चल रहा था, इसमें आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें मैंने आपको हृदय के बारे में पढ़ाया, ब्लड के बारे में पढ़ाया, और आज अभी आपका इसमें ब्लड की में ही बचा हुआ है वेसल्स, यानी आपकी धमनियाँ, धमनी शिराएँ क्या होती हैं, और जो आपकी कैपिलरीज यानी केशिकाएँ क्या होती हैं, ये आपको मैं बताऊंगी। और ये ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको बहुत ही कम ही बुक में आपको देखने को मिलेंगे, तो इसमें आपको पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, और ये आपके हर एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही वेरी फिट होगा। तो आइए देखते हैं आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स कितने होते हैं, यानी जो ब्लड को ले जाने वाली वाहिकाएँ होती हैं वो मुख्य रूप से 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज। क्या होती हैं? वेन्स यानी शिराएं, आर्टरीज यानी धमनियां और कैपिलरीज यानी केशिकाएं। ये हमारी मुख्य रूप से 3 होती हैं जो हमारे ब्लड को लाने का और ले जाने का कार्य करती हैं। अब देखते हैं जो वेन्स यानी हमने आपको बताया था, वेन्स यानी जो शिराएं होती हैं उसमें अशुद्ध रक्त होता है, और ये अशुद्ध रक्त जो होती हैं वो पूरे शरीर से लेकर के हृदय को पहुंचाने का कार्य करती हैं। कौन? हमारी वेन्स होती हैं, और जो वेन्स होती हैं इसमें एक अपवाद है, जो हमारी पल्मोनरी वेन्स होती हैं। पल्मोनरी जो शिराएं होती हैं वो फेफड़ों से रक्त को, शुद्ध रक्त को लेकर के हृदय को पहुँचाती हैं, लेकिन यदि शिराएँ खाली आए तो शिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त होता है। तो ये हमारे वेन्स यानी जो शिराएं होती हैं, अब इनकी क्वालिटी को बता रही है कैसी होती हैं। तो इनके हैं जो वेन्स होती हैं यानी थिन वॉल होती हैं, यानी बहुत ही पतली वॉल इनकी दीवार होती है, जो आप स्किन के ऊपर भी इनको आप देख सकते हो। एक नस इनकी दिखाई पड़ती है जो ग्रीन कलर की होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेन्स या थिन वॉल इनकी होती है, इनको हम शिराएं बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। और एक आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊँ, जो आपके टेस्ट कराते हो ब्लड टेस्ट, तो ब्लड टेस्ट जो किया जाता है उससे जो ब्लड लेते हैं वो हमेशा वेन्स यानी आपके शिराओं से ही लेते हैं, क्योंकि आपके जो अशुद्ध रक्त होगा उसी से ही आपको चेक करते हैं कि आपके अंदर कमी क्या है। तो यानी हमेशा वेन्स से ही जो है ब्लड को लिया जाता है, और जो ऊपर से स्किन के ऊपर ही दिखाई पड़ती है। तो ये हमारी थिन वाल होती हैं। आर्टरीज हमारी थिक वाल यानी मोटी वाल होती हैं, और थिन वाल यानी जो कैपिलरीज होती हैं वो भी बहुत ही पतली वाल होती हैं। देखिए, जो कैपिलरीज, जिसको हम केशिकाएं बोलते हैं, ये केशिकाएं ऐसे कोई अलग नहीं होती हैं, ये हमारी जो धमनी होती हैं और शिराएं होती हैं इनको आपस में कनेक्ट करने का काम करती हैं। ऐसे मान लीजिए हमारी धमनी है और ये शिराएं हैं, और पतली से इस तरह से ये जो होती हैं ये हमारी क्या होती हैं? केशिकाएं यानी कैपिलरीज होती हैं, जो धमनी और शिराओं को आपस में कनेक्ट करने का काम करती हैं। तो ये बातें हो गई। अब जो आर्टरीज होती हैं ये हमारे मांसपेशियों में पाई जाती हैं, जो हमें ऊपर से नहीं देख सकते हैं। इनकी जो दीवार होती है बहुत मोटी होती है, और इसमें जो धारा प्रवाह होता है ब्लड का बहुत ही तीव्र होता है। तो ये चीज़ें आप जानकारी रखिए इसमें। अब देखते हैं जो हमारी वेन्स यानी हमारे जो शिराएँ होती हैं वो हमेशा, उसमें कौन सा रक्त होता है? CO2 होता है। क्या होता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू हार्ट। हमने भी आपको बताया कि पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को लेकर के हार्ट को पहुंचाने का काम करती हैं। जबकि जो हमारी आर्टरीज होती हैं यानी हमारी धमनी जो होती हैं ये क्या होती हैं? ये इसमें ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, और ये हार्ट से शुद्ध रक्त को लेकर के पूरे अदर पार्ट ऑफ बॉडी यानी पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करती हैं। ये हमारी आर्टरीज होती हैं। क्या होती हैं? हमारी आर्टरी यानी धमनियां होती हैं, जो शुद्ध रक्त को लेकर के, ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेकर के पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करती हैं। तीसरा हमारा कैपिलरीज, जिसको हम केशिकाएं कहते हैं, ये इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल गैसेस एंड बॉडी वेस्ट। ये इसमें मतलब कि ये शामिल होती हैं। क्या होती हैं? ये हर काम में ये शामिल होती हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं? धमनी और शिराओं को कनेक्ट करने का काम करती हैं। तो हर काम में, जैसे फूड को एक्सचेंज करना हुआ, फूड मटेरियल्स को एक्सचेंज करना हुआ, और गैसेस यानी CO2 और O2 को एक्सचेंज करना हुआ, और उसके बाद बॉडी वेस्ट चीज़ों को निकालना हुआ, इन सब कामों को करने के लिए ये उसमें इन्वॉल्व होती हैं यानी शामिल होती हैं। अब आते हैं हमारा
वेंस में। अब वेंस में क्या होता है, सिचुएटेड जस्ट अंडर द स्किन, यानी जस्ट हमारी जो त्वचा होती है जस्ट नीचे ही पाई जाती है जो हमारी वेंस होती है, शिराएं होती हैं। अब हमारा जो आर्टरीज होता है जस्ट अंडर द स्किन, ये स्किन के अंदर होती है। ये क्या है, स्किन के जस्ट यानी तुरंत आप देख सकते हो, लेकिन ये स्किन के एकदम अंदर पार्ट में होती है जो आप ऊपर से नहीं देख सकते हो। अब हमारा कैपिलरीज होती हैं, अकर एट द टर्मिनल ऑफ आर्टरीज और वेन, इनको आप देखेंगे ये आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने का काम, टर्मिनल का काम करती हैं हमारी केशिकाएं। अब देखिए यहाँ पे कुछ हमने पॉइंट लिखा है, इसमें जो ब्लड होता है फ्लो ओनली वन डायरेक्शन, यानी जो उसमें वेन्स होता है इसमें केवल एक ही दिशा में ब्लड जाएगा, दोबारा उस दिशा में नहीं जाएगा, यानी केवल वन डायरेक्शन ही होता है वेन्स में जो ब्लड का फ्लो होता है। और ये जो हमारी आर्टरीज होती हैं जिसमें शुद्ध रक्त होता है, ये इलास्टिक होती है, लचीली होती हैं, और इनमें जो ब्लड का फ्लो होता है बहुत तीव्र होता है, यानी रैपिड फ्लो, यानी बहुत तीव्र फ्लो होता है, बहुत तेज से इसमें बहती हैं। और ये मैंने अभी आपको बताया जो कैपिलरीज होती हैं वो एक तरीके से कनेक्ट करने का काम करती हैं किसको, आर्टरीज और वेन्स को। तो ये इसमें तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसी में हमारा कि ब्लड के क्या फंक्शन है, वो काम क्या करता है। तो देखिए इट इज़ अ वेहिकल ऑफ मेटाबॉलिक कम्युनिकेशन बिटवीन, देखिए एक तरीके से ये हमारे जो वेहिकल यानी एक सवारी का काम करती है हमारे ब्लड, जो क्या करते हैं मेटाबॉलिक जो कम्युनिकेशन होता है उसको क्या करते हैं ले जाने का काम करती हैं, यानी हमारे फूड जो एब्जॉर्ब फूड होता है उसको ले आने का काम करती है हमारी कौन, ब्लड करती है। और ये हमारा ब्लड होता है, ये ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है न्यूट्रिएंट्स इंटेस्टाइन टू द लीवर एंड अदर ऑर्गन्स, यानी जो ब्लड होता है वही ट्रांसपोर्ट करता है किसको, न्यूट्रिएंट्स को, यानी हमारा जब भोजन पच जाता है, पचने के बाद जो एब्जॉर्ब फूड होता है यानी हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन विटामिन खनिज होते हैं वो छोटी आंत से एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसको लेकर के ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुँचाने का काम हमारे कौन करता है, ब्लड करता है। तीसरा पॉइंट, ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज, यानी ब्लड क्या करता है, और ये मैंने अभी आपको पढ़ाया था रेस्पिरेटरी में स्टार्टिंग में ही कि जो हमारे लंग्स होते हैं उसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान उसमें बने होते हैं और उसमें से ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसफर होता है, और जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन जाता है, जब छोड़ते हैं तो CO2 बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन युक्त तो हमारे लंग्स में होते हैं उसको जो हमारी ब्लड होता है वो खींच लेती है और जो CO2 होता है उसको दे देती है। तो कहने का मतलब ये जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है इसको ऑक्सीजन को, कहाँ से, लंग्स यानी फेफड़े से कहाँ तक, टिश्यूज यानी ऑक्सीजन को लेकर के पूरे ऊतकों तक पहुँचाने का काम हमारा ब्लड करता है, एंड CO2 जनरेट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, और वो फिर CO2 का भी निर्माण करते हैं, CO2 को जनरेट कर देती हैं, CO2 को लंग्स को दे देती हैं, और जो रेस्पिरेटरी के माध्यम से एक्सहेल के माध्यम से बाहर निकल जाती हैं। तो ये होती हैं हमारी ब्लड के काम। तो ब्लड के मुख्य रूप से तीन काम है, मेटाबॉलिक काम है, और जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होता है पूरे बॉडी में पहुंचाते हैं, और CO2 और O2 का ट्रांसफर करने का काम करते हैं। अब आते हैं रोल ऑफ ब्लड इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, यानी कैसे ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं। देखिए हमने आपको बताया था RBC और WBC। RBC जो होती हैं इसको हम लाल रक्त कणिकाएँ कहते हैं। लाल रक्त कणिकाएँ किस कारण से लाल होता है, वो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। हीम प्लस ग्लोबिन, हीम क्या होता है, हीम इसका लाल कण होता है जिसकी वजह से रक्त का रंग लाल होता है। हीम क्या है, हीम नामक वर्णक होता है जिसके रंग के कारण रक्त का रंग लाल होता है। और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन होती है जो ब्लड में पाई जाती है। तो ग्लोबिन या जिसको ग्लोबुलर भी कहते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है, जब हम हमारे साथ दो क्रियाएँ होती हैं इनहेल और एक्सहेल, इनके मतलब हम ऑक्सीजन को लेते हैं और एक्सहेल का मतलब हम CO2 को बाहर छोड़ते हैं। तो RBC यानी हमारे जो सांस लेते हैं, तो जो हमारी RBC यानी लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन कह सकते हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारा हीमोग्लोबिन करता है। जब हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमें आयरन की कमी, यानी जब हमारे अंदर आयरन की कमी होती है और यानी हमारे हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे हमें सांस लेने में समस्या होती है, भूख नहीं लगती है, नींद आती है, थकान आती है,
ये सारे लक्षण होते हैं जब हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। तो जब कम हो जाएगी तो हमारे अंदर सांस भी फूलेगा, क्यों? क्योंकि हमारी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, हम सही तरीके से अपने काम को नहीं कर पा रहे हैं। तो ये होता है रोल ऑफ किसका, ब्लड का, किसके लिए? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अभी मैं आपको इसमें पार्ट 4 लेकर के आऊँगी, जिसमें आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बताऊँगी। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर अवश्य कर लीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और आप हमें कमेंट जरूर किया करिए, इसी कमेंट से थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है हमें और मेहनत करने के लिए, जिससे मैं आपको काफ़ी चीज़ों से नॉलेज लेकर के मैं आपको बताऊँ। और आप अपनी परीक्षा में जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें आप सफल हो, यही मेरी एक तरीके से इच्छा है और यही मेरी एक सफलता मानी जाएगी। जब आप सफल होंगे तब हमारी सफलता उसमें छिपी हुई होगी, क्योंकि टीचर का वही उद्देश्य होता है कि जब उसका स्टूडेंट उसके ही सामने एक सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच रहा हो तब उसको उसी में ही सबसे बड़ी खुशी मिलती है। तो ये आप हमें कमेंट करना न भूलें, यदि कमेंट करेंगे तो हमें मेहनत करने के लिए और अवश्य ही हमें कह सकते हैं एक तरीके से जो और भी उत्साह बढ़ेगा, एनर्जी मिलेगी। और इसीलिए इसी से हम अपनी वीडियो को अंत करते हैं। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।